नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। पारा शिक्षकों पर अलोकतांत्रिक तरीके से बर्बरतापूर्ण पिटाई पर भारत जलाओ पार्टी के वर्तमान विधायक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। युक्त आरोप बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी से गढ़वा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र साहू ने प्रेस वार्ता कर बताया। झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, यह सरकार कंप्लीट निर्पुंस हो गई है और इनके विधायक गढ़वा के सदन नाथ तिवारी जी पारा टीचरों के पक्ष में होने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये दो मुहे साहब की तरह बात कर रहे हैं। बेटियों मीठ पतियों मीठ वाला कहानी पर चर्चा बैठता है। ये आदमी किसी का नहीं है, मात्र और मात्र विधायक बने रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए भारत जवाब पार्टी में जाना हो, चाहे जहां जाना हो जाते रहेंगे। आज इनकी नियत में अगर सही तरीक भी सही होती तो मैं इनसे जनता के मांग पर एक मांग किया था कि आपके विधायक कोटे की राशि कितने खर्च किए, कहां कहां खर्च किए, जनता जानना चाहती है, बताने का काम करे। जैसे मैंने कुछ नया काम किया, इन्होंने अपना मतलब बताने का काम नहीं किया। अभी आपको पता होगा कि पारा टीचरों की पिटाई सब सरकार करती है और उनके विधायक बोलते हैं कि पूर्व विधायक का देना क्या पार्टी का पिटाई खाना है। इनको भी सुनना चाहिए कि 18 साल के शासनकाल में यहाँ पर 14 साल सरकार भाजपा की रही है और भाजपा नीत सरकार कहीं भी खास करके क्षेत्रीय लोगों के पक्ष में नहीं रहती है। इसका जीता जाता उदाहरण 10+2 की बहाली है। सामान्य वर्ग की सीट पर 75% बहाली दूसरे राज्यों के लोगों को कर ली गई है। इस तरह से हाई स्कूल टीचर में भी यहाँ के जो बहाली हो अभी रिजल्ट आया है उसमें यहाँ के लोकल जो छात्र है दो नीति का को फाइल हुए हैं। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र एक उसमें सुधार करें और पारा टीचर को उचित सभी मांग है उनको मानी जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी इन पार्टी के साथ कंधों से कंधा मिला करके हमेशा इनके साथ रहेगी और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद।